of school. Kids, our chapter name is Animals, its Habitats and Adaptations. Lesson number 2, session number 4. We already completed our 3 sessions of these chapter. Kids, today's session topic is about adaptations. Adaptations mein, adaptations for movement and adaptations for breathing. But before I am going to explain this, I want to recall you about section 1, section 2 and section 3. In section 1, what we have done? We have done vocabulary words and meanings. In section 2, about habitat and its types of habitats. And in session 3, types of habitats mein, oceans and fresh water. So kids, फटाफट से let's recall this. Now meaning, sorry, vocabulary words. Number 1, habitat. Number 2, adaptations. Number 3, forest. Number 4, desert. Number 5, alligator. Number 6, spaces. Number 7, migration. Number 8, rodent. Number 9, arctic. Number 11, modified. Number 12, crawl. Number 13, gills. Number 14, hollow. Number 15, moist. Now let's move to meanings. Number 1, habitat. The place where a particular type of plant or animal is normally found. कि प्लेस होती है उसी जगह पे उसी टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं. दूसरी जगह पे ये चीजें मिलना थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि वो वहीं पे नेचुरली ही ग्रो होती है. ओके, नाउ नंबर 2, एडेप्टेशंस. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग टू सूट अ न्यू सिचुएशन. एडेप्टेशंस मतलब कि कोई भी चीज को एडप्ट करना, कोई भी न्यू चीज न्यू प्लेस पर हमें कोई भी चीज को सूट करना, उसको क्या बोलेंगे, एडेप्टेशंस. हम कोई भी चेंज को अपना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ एडेप्टेशंस. नाउ नंबर 3, स्पाइरेकल. एन एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओपनिंग ऑन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट. इंसेक्ट के ऊपर एक रेस्पिरेटरी ओपनिंग होती है जिससे वो ब्रीथ करते हैं. नॉर्मली ये ब्रीदिंग और ऑर्गन किसमें होते हैं, इंसेक्ट्स में. ज्यादातर किसमें होते हैं, इंसेक्ट्स में. नंबर 4, होलो. विथ अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड. होलो मतलब एक उंडाई जितना गहरा एक चीज होती है जिसमें गहरा होता है और एकदम होल जैसा होता है और उसके अंदर स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, होलो. मॉइस्ट मतलब स्लाइटली वेट, थोड़ा थोड़ा गीला. नंबर 6, माइल्स. अ मेजर ऑफ लेंथ 1.6 किलोमीटर. की मेजर लेंथ करनी है अप टू 1.6 किलोमीटर. नाउ किड्स, अब हमारा सेशन 1 डन. वोकैबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग. नाउ लेट्स मूव टू सेशन नंबर 2, हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एन एरिया और अ प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कि कोई भी नेचुरली उसी जगह पे पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट. अ हैबिटेट प्रोवाइड्स द एनिमल विद एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर. एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है उस जगह पे, उस ह्यूमन थिंग, ह्यूमन बींग को, प्लांट को और एनिमल को क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड, एयर, वाटर, शेल्टर. शेल्टर मतलब रहने की जगह. हैबिटेट्स, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. सभी एनिमल्स की रहने की हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट होती है. नाउ देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर देयर? There are total 5 main types of habitats: forest, desert, mountain, polar region, ocean.
ओशंस एंड फ्रेश वाटर। तो ये थी हमारी 5 टाइप्स की हैबिटेट्स। चलो फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 1 फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया विथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मतलब घना जंगल होता है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैबिटेट्स होती है। जैसे बर्ड्स है वो ट्री के ऊपर रहते हैं, मंकीज है वो भी ट्री के आजू बाजू में रहते हैं, ट्री के ऊपर जंप करते हैं, लाइन टाइगर्स जो होते हैं वो केव्स में रहते हैं, बीटल्स है, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है कोई भी, तो वो फॉरेस्ट की फ्लोर के ऊपर रहते हैं। फॉरेस्ट में सब लोग रहते हैं फिर भी सबके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होती है। कोई कोई वाटर एनिमल्स होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होती है। रैबिट्स, मोंगूस, अर्थवर्म्स लिव्स इन बरोस। जंगल में बरोस जैसा वो अपना बना के उसके अंदर रहते हैं रैबिट्स, मोंगूस और अर्थवर्म्स। तो जंगल में फॉरेस्ट में रहने के बाद भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट लिविंग हैबिट्स होती है। नाउ किड्स, डेजर्ट। डेजर्ट इज अ वेरी हॉट एंड ड्राई लैंड। कि वहां पे बहुत गर्मी होती है और उसकी जमीन कैसी होती है, बहुत ही ड्राई होती है। इट इज ऑफन वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। डेजर्ट में क्या होता है किड्स की रात को बहुत ठंडी आती है और दिन में तो एज यू नो इट इज टू मच हॉट एंड इट इज वेरी लाइक इट इज वेरी बैड टू सर्वाइव ओवर देयर। वी कांट एबल टू लीव देयर। इतनी गर्मी में हम लोग वहां पे सर्वाइव कर सकते नहीं है। वहाँ के लोग हैबिचुएट हो गए क्योंकि उसकी बोन प्लेस वही है और नेचुरली उन लोगों ने उस चीज को एडेप्ट कर लिया है, वो तो उसलिए वहाँ पे वो रह सकते। वहाँ पे नॉर्मली प्लांट्स भी ग्रो होते नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है पर प्लांट्स को तो चाहिए। तो कम पानी पीने वाला प्लांट वहाँ पे ग्रो होता है, तो वो कौन सा प्लांट लेता है, कैक्टस। तो वहाँ पे ज्यादातर कौन सा प्लांट होता है, कैक्टस। वो जो एनिमल में क्या होता है आपको पता है, कैमल्स। कैमल्स क्यों वहां पे होते हैं, क्योंकि कैमल्स के पास एक होती है जो स्टमक में अपना पानी एक साथ पी के 1 month 15-20 डेज तक की टिल 1 month तक वो पानी को स्टोर कर लेता है। फिर जब जब उसको थर्स्टीनेस लगती है, प्यास लगती है, तो वो कैरी फॉरवर्ड करके वो पी के उसी में रखता है, इसलिए कैमल को डेजर्ट एनिमल बोल सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उसका क्या होता है, उसको बिल्कुल हमारी तरह ही प्यास लगती है कि वो उसको हर टाइम वाटर चाहिए, तो वो वहां पे सर्वाइव कर सकते नहीं है। बट ये कैमल है वो 15-20 डेज तक पानी स्टोर कर लेता है तो वो इजीली डेजर्ट में रह सकता है। वो है लिजर्ड है, डेजर्ट रैट्स है, तो ये सारे के सारे एनिमल्स इजीली वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ किड्स, माउंटेन्स एंड पोलर रीजंस। माउंटेन्स में मैंने बोला था ना, हर बार हर सेशन में ये रिकैप करवाती हूँ, हर बार रिकैप में एक्सप्लेन किया है। माउंटेन्स होते हैं हाई पीक्स पे होते हैं, हाई पीक्स मतलब बहुत ही ऊपर होते हैं। अब आपको पता है हम जैसा जैसा ऊपर जाते हैं ना, हमारा एटमोस्फियरिक लेयर होता है ना, अब जितने जाए ना उतने कूल हो जाते। अभी पीक्स है तो जितने अप जाएंगे हम लोग तो वहां पे ठंडी बढ़ जाएगी। अभी ठंडी बढ़ जाएगी, आइस भी होता है, तो वहां पे नॉर्मली क्या करते हैं, पोलर बियर्स। वहां पे इजीली कौन सर्वाइव कर पाता है, पोलर बियर्स, बिकॉज पोलर बियर्स के जो फर होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, इसलिए उसे ठंडी नहीं लगती है। बाकी यहाँ के एनिमल्स जो कहीं पे जाएंगे तो उसको इतनी ठंडी लगेगी कि वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके थिक फर की वजह से वो इजीली वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। इवन याक, याक करके भी एक एनिमल है जो वो वहां पे इजीली सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके भी फर बहुत ही थिक होते हैं। तो ये था माउंटेन्स एंड पोलर रीजंस। नाउ किड्स, लेट्स मूव टू ओशंस। ओशंस और फ्रेश वाटर हमने कौन से सेशन में पढ़ा था, सेशन नंबर 3 में। नाउ ओशंस में क्या पढ़ा था, oceans and seas are large salt water habitats. ki oceans or seas ek salt water body, salt matlab kharu pani hoy na ocean ma ane sea ma kyu pani hoy, kharu pani hoy, usme kon kon easily survive kar sakta hai, crabs, fish, seas, whales and octopus and jellyfish.
ये सारे के सारे एनिमल्स इजीली पानी सोल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरे एनिमल सोल्टी वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकते। किड्स, कभी आप लोग ओशन और सी के नजदीक गए हो? अगर गए हो उसका पानी सिर्फ टेस्ट करना, वो बहुत ही सोल्टी होता है, हम नहीं उसको पी सकते। तो सोचो उसमें एनिमल्स पी सकते हैं, रह सकते हैं, उसको भी प्रॉब्लम होती होगी। बट ये ऐसे नेचुरल एनिमल्स है कि जो उसके अंदर ही बोर्न होते हैं और उसके अंदर ही एक हैबिटेट हो जाती है उसकी, उसके अंदर रहने, तो वो लोग इजीली इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ फ्रेश वाटर, जो पानी कॉन्स्टेंटली बहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये किसके एग्जाम्पल्स है? फ्रेश वाटर बॉडीज है। तो अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश, एनिमल्स सच एज हिप्पोपोटामस एंड एलिगेटर्स आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, ये सारी की सारी वेराइटीज किसके अंदर पाई जाती है? यस, फ्रेश वाटर के अंदर, कि वो लोग इजीली उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ एडेप्टेशन, हम लोगों ने लास्ट सेशन में एडेप्टेशन की हाईलाइट पढ़ी थी, अभी फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ एनी चेंजेस इन द फीचर और बिहेवियर ऑफ अ स्पीसीज दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। कि कोई भी चीज, कोई भी एनिमल को उस जगह पे रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं इजीली, तो उसको उसकी एडेप्टेशन बोलेंगे। जैसे कि फिश है, वो इजीली सॉल्टी वाटर में रह सकती है, तो उसने एडप्ट कर लिया ना अपने आप को सॉल्ट वाटर में रहने के लिए, तो वो एक उसकी एडेप्टेशन हुई। एनिमल्स हैव फीचर्स और एडेप्टेशन सूटेड टू द हैबिटेट दे लिव इन। वो जहां पे रहते हैं वो अपने आप को उस सिचुएशन में इजीली एडजस्ट कर देते हैं, कोई भी एनिमल्स। The adaptations can be in their movement, breathing organs, body coverings and eating habits. The adaptations में किसमें changes कर सकते हैं, कौन कौन से animals, वो हम देखेंगे। तो कौन किस, एक तो adaptations for movement, उसकी movement में adjustment हो सकता है। Adaptations for breathing, breathing में भी adjustment हो सकता है, उसकी body coverings में भी हो सकता है, eating habits में हो सकता है। ये सेशन में हम लोग सिर्फ दो पॉइंट्स कवर करेंगे, एडेप्टेशंस फॉर मूवमेंट और एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग। नाउ नंबर वन, एडेप्टेशंस फॉर मूवमेंट। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। कि वो लोग जब फूड ढूंढने के लिए जाते हैं तब डेंजर सिचुएशन हो सकती है उन लोगों के लिए, तो उनसे भी उसको बच के जाना पड़ेगा। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट types of adaptations of movement, कि उसमें उन लोगों ने किस तरह की adjustment adaptations की है वो देखते हैं। उसमें limbs मतलब legs, limbs मतलब legs। Animals such as horses, cats and dogs use four legs or limbs to move. The front limbs are called forelimbs and the back limbs are called hind limbs. Limbs helps animals to move on land. ये जो limbs होते हैं animals के, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे food ढूंढने में help करेंगे। जैसे हम human beings एक जगह से दूसरी जगह चल के जाएंगे, right? तो उसके पास, animals के पास कितने legs है? Four legs. कितने legs? Four. उसको हम क्या बोलेंगे? Limbs. जो आगे के दो लेग होते हैं उसको क्या बोलेंगे? फोर लिम्स। और पीछे के दो लेग्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? हिंड लिम्स। रिपीट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आगे के दो लेग होते हैं उसको क्या बोलेंगे? फोर लिम्स। पीछे के दो लेग्स को क्या बोलेंगे? हिंड लिम्स। तो ये फोर लेग्स को यूज करके हॉर्स एक जगह से दूसरी जगह पे लैंड पे मूव कर सकते हैं और फूड को सर्च करने के लिए भी जा सकते हैं। Clear? Now, fins. जैसे हम लोगों के पास दो hands, दो legs, four limbs और hind limbs है, but fish के पास है? नहीं, fish के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, movement करने के लिए
कौन सी चीज है? उसके फिन्स, उसके फिन्स। किड्स ये जो फिश होती है ना, फिश ये जो उसके होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? फिन्स। क्या बोलेंगे? फिन्स। उसके हिंड लिम्स ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उसके पास मूवमेंट करने के लिए कौन सी चीज है? पानी में, पानी में इजीली सर्वाइव करने के लिए उसके पास है फिन्स। फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिन्स दैट हेल्प देम टू मूव इन वाटर। अगर उसको हाथ पैर होंगे फिश को, तो उसको पानी में तैर पाएगी? इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन वाटर, वो इजिली चल पाएगी नहीं। बट उसके पास स्पेशल फीचर है, उसका पानी में वो रहती है तो उसके पास उसके अकॉर्डिंग है। हॉर्स जमीन पे रहता है तो उसके पास उसके अकॉर्डिंग लिम्स है। तो ये क्या हुई? एनिमल्स एक अलग अलग एडेप्टेशन है कि वो जहां पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी की सारी चीजें होती है। तो उसके पास फिन्स है तो इजिली पानी में स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी मूवमेंट के लिए जा सकती है। नाउ वेब्ड फीट। फ्रॉग्स यूज वेब्ड फीट टू स्विम। दे यूज स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू होप ऑन लैंड। आपको पता है कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं ना, फ्रॉग्स वो पानी में भी रह सकते हैं, एज वेल एज दे लिव ऑन लैंड ऑल्सो। दे लिव इन वॉटर ऑल्सो, दे लिव ऑन लैंड ऑल्सो। तो जब वो पानी में होते हैं ना, तब उसके वेब्ड फीट होते हैं। हियर आई एम शेयरिंग एन इमेज ऑफ वेब्ड फीट। आपको दिख रहे हैं वेब्ड फीट फ्रॉग के? यस, दिख रहे हैं ना? तो वो जब पानी में होता है फ्रॉग, तब वो अपने वेब्ड फीट का यूज करके वो पानी में सर्वाइव करता है। फिर जब वो जमीन के ऊपर आता है, तब वो अपने बैक लेग्स से होप करके, जंप करके वो इजीली लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। तो उसकी एडेप्टेशंस क्या हो कि पानी में तब उसके वेब्ड फीट और जमीन पे है तब वो उसके बैक लेग्स से वो इजीली जमीन पे रह सकता है। नाउ विंग्स। द फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसकी फोर लिम्स मतलब आगे की जो आगे के में हाथ है, हम ह्यूमन बींग्स को हैंड्स है, बिल्कुल उसी तरह से बर्ड्स को भी हैंड्स नहीं है बट उसके पास विंग्स है। क्या है उसके पास? विंग्स है। फोर लिम्स मतलब आगे के पार्ट को क्या बोलेंगे? फोर लिम्स। फोर लिम्स में उसके पास क्या है? विंग्स। क्या है? विंग्स। बर्ड्स हैव होलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट इन वेट दस हेल्पिंग देम टू फ्लाई। कि बर्ड्स के पास बहुत ही उसका होलो जैसा बॉडी होता है, एकदम गहरा बॉडी होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है, तो वो इजीली अपने फोर लिम्स से इजीली अपने बॉडी को मूवमेंट के लिए उड़ सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। मोस्ट इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज हैव विंग्स टू फ्लाई। कि ये सारे के सारे एनिमल्स जैसे बटरफ्लाइज, बीज और हाउस फ्लाइज को भी उसके विंग्स होते हैं जिससे वो इजीली फ्लाई कर सके। तो ये उसकी एडेप्टेशन से वो एयर में रह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो शेल्टर के लिए, फूड के लिए वो अपने विंग्स का यूज करके जा सकते हैं। नाउ स्केल्स। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स को देखा है ना आप लोगों ने? देखा है? आपने कभी नोटिस किया स्नेक्स के पास लेग्स होते हैं? किया है नोटिस? नहीं, वो क्रॉल करता है जमीन पे, घसी घसी में चल, लाइक जमीन को टच कर करके बिल्कुल ऐसे मूवमेंट करके चलता है, ऐसे जमीन को टच करके ऐसी मूवमेंट करके वो चलता है। बिकॉज इट हैव नो लेग्स, उसके पास लेग्स नहीं है। दे हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। उनके पास स्केल्स जैसी बॉडी होती है जिससे वो इजीली क्रॉल मतलब घसड़ी घसड़ी में चल सकता है वो अपने कोई भी जगह पे। अगर वो ट्री के ऊपर भी चल रहा है, ट्री पे रोल ऑन हो रहा है, तो वो किसकी हेल्प से होगा? उसके स्केल्स की हेल्प से वो इजीली क्रॉल। क्रॉल करना मतलब अपने गुजराती में कहिए धसड़ू, तो कहिए धसड़ू।
ધસડી ધસડીને ચાલે બટ એને કાઈ લાગે નહીં બીકોઝ ઇટ હેવ અ પ્રોટેક્ટિવ સ્કિલ્સ ઉસકે લિયે એક પ્રોટેક્ટિવ સ્કિલ્સ હોતે જિસસે ઉસકો કુછ હાર્મફુલ હોતા નહીં તો યે એક ઉસકી એડેપ્ટેશન હુઈ કે વો જમીન પે ચલેગા તો એક ક્રોલ કરકે ચલેગા બટ ઉસકે પાસ લેગ્સ નહીં હૈ તો ઉસને યે એડેપ્ટ કિયા હૈ ઉસકી એડેપ્ટેશન હુઈ ક્લિયર કિડ્સ વન્સ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ ફટાફટ સે લિમ્બ્સ ઓર લેગ્સ Animals such as horses, cats, and dogs use four legs to move. The front limbs are called forelimbs, and the back limbs are called hind limbs. Limbs help animals to move on land. Now, fins. Fish have special fin structures called fins that help them to move in water. Now, webbed feet. Frogs use webbed feet to swim. They have strong back legs to hop on land. Now, wings. The forelimbs of birds are modified into wings. Birds have hollow bones that make their body light in weight, thus helping them to fly. Most insects, such as butterflies, bees, and houseflies, have wings to fly. Last, scales. Snakes do not have legs. They have scales which help them to crawl on the ground. Okay, now kids, adaptations for breathing. Okay, breathing में उन लोगों ने क्या किया? Animals ने adapt किया है. उसमें है all living things breathe. The following are the adaptations for breathing in animals. हमारे human beings का तो common है. सब human beings nose से ही breathe करते हैं. उसकी respiratory system breathing की fix रहती है. अब चेंजेस किस में होता है? एनिमल्स में. तो हमें किसका देखना होगा? एनिमल्स का. नंबर वन, नोज एंड लंग्स. एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स एंड शिप लीव ऑन लैंड, दे हैव नोज एंड लंग्स दैट हेल्प इन ब्रीथिंग. हम ह्यूमन बींग्स और शिप जैसे एनिमल्स के पास नोज भी है और लंग्स भी है जिससे वो इजिली ब्रीथ कर सकते हैं. ब्रीथ किया किसकी हेल्प से किया? नोज एंड लंग्स. आप फील करोगे हम यहां से ब्रीथ करेंगे तो पूरे बॉडी में से हम फील करेंगे और लंग्स हमारी हेल्प करता है ब्रीथ करने में. तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स और शिप जैसे एनिमल्स की बात हुई जिसके पास क्या है? नोज और लंग्स. अभी इसकी गिल्स. गिल्स किसके पास होते हैं? फिश. Fish have a special feature like organ called gills for breathing in water. आपको पता है फिश के पास नोज लंग्स नहीं होता है. उसके पास एक स्पेशल फीचर होता है जिसको गिल्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जिसको गिल्स बोलेंगे. वो किस में रहती है फिश? पानी में रहती है. तो उसको लंग्स या नोज वर्क करेंगे नहीं. उसके पास एक स्पेशल फीचर होना चाहिए, ऑर्गन होना चाहिए. तो उसके ऑर्गन का नाम क्या है? गिल्स. गिल्स से वो पानी के अंदर रह के भी अच्छे से ब्रीथ कर सकती है. तो उसकी ये एडेप्टेशन हुई ब्रीदिंग में. नाउ ऐसे भी एनिमल्स है जो स्किन से ब्रीथ करते हैं. लेट्स सी दैट. एनिमल्स सच एज फ्रॉग, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. फ्रॉग्स हैव लंग्स टू which help them to breathe when on land. Kids, आपको पता है कि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपनी स्किन होती है ना, स्किन से ब्रीथ करते हैं. फ्रॉग्स जो होते हैं ना, फ्रॉग्स और अर्थवर्म्स, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. फ्रॉग्स के पास टू टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं. जब वो पानी में होते हैं ना तब वो स्किन से ब्रीथ करते हैं. जब वो लैंड पे होते हैं ना तब उसके पास लंग्स भी है. तो किससे ब्रीथ करेंगे? लंग से भी ब्रीथ करेंगे. जब पानी में होंगे तब किससे ब्रीथ करेंगे? स्किन से ब्रीथ करेंगे. तो स्किन वाला क्लियर. अर्थवर्म की स्किन होती है ना उसके पास नोज और ऐसा कुछ होता नहीं है बट वो फिर भी जिंदा है, लिविंग थिंग है. तो किसी ना किसी से तो ब्रीथ करना पड़ेगा ना. तो वो अर्थवर्म और फ्रॉग किससे ब्रीथ करेंगे? स्किन से. किससे ब्रीथ करेंगे? स्किन से. Now spiracles. दीदी ने बोला था मीनिंग्स में इंसेक्ट्स में स्पाइरिकल्स होते हैं. इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड ग्रास होपर्स ब्रीथ थ्रू टाइनी वॉल्स प्रेजेंट अलोंग द साइड्स
of their body. These tiny holes are known as spinnerets. Cockroaches or grasshoppers के ऊपर के पार्ट में छोटे छोटे holes होते हैं जिससे वो ब्रीद करें. क्या होते हैं? Along the sides of their body के sides में hole जैसा पार्ट होता है जिससे वो easily ब्रीद करेंगे. Spiracles होते हैं ना, spiracles, suppose ये कोई भी insect है. होप सो ये कॉकरोच जैसा दिखाने की ट्राई कर रही हूँ, बट तो उसके आजू बाजू में लाइक यहाँ पे क्या है, हॉल हॉल जैसा होता है. क्या होता है? हॉल जैसा होता है. उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल्स. क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल्स, जिससे वो इजीली ब्रीद कर सके. सो ये क्लियर हुआ किड्स? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स. एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग, उसमें नोज एंड लंग्स. एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स एंड शिप लिव ऑन लैंड. दे हैव नोज एंड लंग्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग. नाउ गिल्स. फिश हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वॉटर. नाउ स्किन. एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीद थ्रू their moist skin. Frogs have lungs too, which help them to breathe when on land. Spiracles. Insects such as cockroaches and grasshoppers breathe through tiny holes present along the sides of their body. These tiny holes are known as spiracles. So, ye the breathing adaptations for breathing. हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे? एडेप्टेशंस ऑफ बॉडी कवरिंग्स. एडेप्टेशन बॉडी कवरिंग्स की क्या है, और एडेप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग हैबिट्स में भी किस टाइप की एडेप्टेशन सब एनिमल्स ने एडेप्ट की है, क्या एडजस्ट किया है. सो किड्स, आई होप सो यू लाइक दिस सेशन. मजा आया आपको इस सेशन में? नाउ किड्स, आई एम शेयरिंग अ पीडीएफ विद दिस सेशन. Try to write down all the answers by your own self. नहीं आ रहा है, आना ही चाहिए. इतना दिन-दिन रिवीजन करवाया, इतना डेप्थ में दो-दो बार एक्सप्लेन किया, आना चाहिए, ओके? तो किड्स, I hope so you like this session and homework करना है आपको, ओके? Bye bye.